नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पानफूटी पत्थर चट्टा, जिसे ब्रायोफाइलियम भी कहते हैं, इस पौधे के पत्ते से किस तरह से आपने नए पौधे तैयार करना चाहिए यह देखने जा रहे हैं। तो आप पौधा देख लीजिए, इसके पत्ते से बहुत ही अच्छे तरीके से आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्पीडली आपको एक पत्ते से 10 से 15 नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस पौधे को प्रोपेगेशन किस तरह करना चाहिए यहाँ अभी हम देखने जा रहे हैं। तो आज हम पानी में इसके पत्ते को रखेंगे और फिर रिजल्ट क्या होता है यहाँ अब हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पेड़ से पत्ती लाना है सिर्फ मात्र, और इससे हम प्रोपेगेशन करके दिखाएंगे आपको नए पौधे किस तरह बन रहे करके। तो आपको सबसे पहले आप किसी भी ग्लास में या कोई पॉट होगा आपके यहाँ छोटा सा कटोरी टाइप, तो उसमें भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे, हमने एक कूलर का टब था घर पर, तो इस टब में हमने यह पत्ते डाल दिए हैं। आप डायरेक्टली ज़मीन में भी यह पौधे को, जो पत्ते हैं इन्हें आप मिट्टी से ढक सकते थे, और उसमें भी रूट्स डेवलप होती है पर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, और पानी में बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देख सकते हैं आप, 8 दिन बाद यहाँ मैंने रिजल्ट वीडियो शूट किया था। तो देख सकते हैं आप, इसमें रूट सिस्टम डेवलप होना चालू हो चुकी है और आप हरे हरे छोटे छोटे अंकुर देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम बाकी पत्ते में भी देख लेंगे। ये देखिए आप, इसमें भी रूट्स डेवलप हो रही है। किसी पत्ते में फास्ट होएगा, किसी में धीरे से होगा, पर रिजल्ट 100% रहता है। इसमें रूट्स अच्छे से निकल जाते, जो कि अभी हम इस वीडियो की कड़ी में देखेंगे कि पौधे किस तरह से बड़े हुए हैं। तो अब हम 18 दिन बाद इन पत्तों में नए अंकुर जो निकले हैं उन्हें हम देखने जा रहे हैं। तो पत्ते की जो कॉर्नर में देखिए आप, देख सकते हैं क्लियरली नए अंकुर, जिसमें नए पौधे तैयार हो चुके हैं, पत्ते भी अच्छे से डेवलप्ड हो चुके हैं। इन्हें अब हम ज़मीन में, मिट्टी में हम इन पौधों को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, ताकि इसकी रूट सिस्टम अच्छे से डेवलप हो पाए और पौधे की ग्रोथ भी सही तरीके से हो। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, किडनी स्टोन के इलाज के लिए इसके पत्ते खाए जाते हैं। देख सकते हैं आप क्लियरली इसमें नए पौधे। अब हम और भी पत्ते जो बचे हुए हैं उनकी रूट सिस्टम 18 दिन बाद, यह रिजल्ट जो है यह 18 दिन के बाद का है। अगर इसे और हम 10-15 दिन और रखेंगे तो आपको पूरे पत्ते के हर कॉर्नर पर आपको नए पौधे तैयार हुए दिखेंगे। देख सकते हैं इसमें तीन, एक साइड में नए पौधे तैयार हुए हैं, इस पौधे में देखिए 6-7 नए पौधे तैयार हो रहे हैं। अब हम इन पौधों, जो पत्ते में से जो नए नए पौधे तैयार हुए, इन्हें अब हम अलग करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको ट्रायंगुलर शेप जो पौधा तैयार हुआ है उसके बाजू से देखिए, हमने थोड़ा सा पत्ते का भाग रखा है और उसके दोनों साइड से हमने कट कर दिया है, ताकि इस पौधे से एक सिंगल अलग प्लांट तैयार हो पाए। ऐसे हम 10 से 15 अलग अलग पौधे तैयार करेंगे, जितने भी नए
पौधे इस पत्ते पे तैयार हुए। तो देखिए अब हम और एक नया पौधा तैयार कर रहे। देख सकते हैं आप, हमने कट कर दिया है यहाँ दूसरा पोर्शन। इसी तरीके से बचे हुए सभी पत्ते के नए कट मार के हम देख लीजिए, सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पौधे को। अब हम इन पौधों को मिट्टी में लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मिट्टी को थोड़ा देख लीजिए, हम खूर रहे हैं और इसमें अब हम मिट्टी देख लीजिए बारीक बारीक करने के बाद में अब हम इसमें इन पौधों को आपको हल्के से लगाना है ऊपर की सॉइल में। ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं खोदना है आपको, हल्के से इन्हें रखना है और इसके आसपास हल्की हल्की मिट्टी आपको चढ़ा देनी है। देख लीजिए और जो देखिए हल्का हल्का, और इन्हें इन पौधों को थोड़ा सा छाँव में रख दीजिए ताकि आप मिनिमम 15 से 20 दिन इन पौधों को छाँव में रख सकते हैं। उसके बाद में आप देखना, इन पौधों को आप डायरेक्ट धूप में भी रखें तो कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी और प्रॉपर तरीके से इसमें नमी बनी रहे मिट्टी में, तो इसलिए आप पानी डालते रहिए। और किसी भी मौसम में आप इस पौधे के पत्ते से नए पौधे तैयार कर सकते हैं, साल के किसी भी महीने में। पान का पौधा किस तरह से आपने ग्रो करना चाहिए पानी में, या तो डायरेक्टली आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, तो इसका भी वीडियो सेपरेटली हमने अपलोड किया है, आपको प्लेलिस्ट में वहाँ वीडियो भी मिल जाएगा।